सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर सहर स्थित बांठपड़ा सुमित्रा म्यारेज पैलेस ठारे राजगांगपुर सेवा दल पक्षर आज एक साधारण बैठक अनुषित हो बैठक राजगांगपुर सेवा दल सभापति अमरेश चंद्र पंडा नेतृत्व में होता यही बैठक में राजगांगपुर सेवा दल समस्त सदस्य उपस्थित रही बैठक में राजगांगपुर सेवा दल विभिन्न लोक अभिमुखी कार्य विषय आलोचना करने किभली राजगांगपुर सेवा दल राजगांगपुर लोक मान सुविधा असुविधा पाखरे रही कार्य करलोचना करपुर सहर विभिन्न समस्या तथा राजगांगपुर सहर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण मंदिर डेम ठारू राजगांगपुर टाउन पर्यंत कर जल प्रकल्प कार्य को नहीं अभियोग राजगांगपुर सहर को सबडिजन भाव घोषणा करने राजगांगपुर रेलवे स्टेशन रो नवीकरण भली राजगांगपुर सहर रो उन्नतिमूलक कार्य नहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 5 मुख्य भी पांडियान को पत्र माध्यम अवगत करा राजगांगपुर समस्या को दृष्टि रखी राजगांगपुर सेवा दल सबुबले लोकंक सह रहिबा नहीं राजगांगपुर सेवा दल सभापति अमरेश चंद्र पंडा प्रकाश करते मु अमरेश चंद्र पंडा राजगांगपुर सेवा दल सभापति देखु सर दीर्घ 2020 मसीहा मार्च 31 तारीख दिन राजगांगपुर सेवा दल गठन होता कोरोना महामारी समय गरीब निस्स असहाय श्रमिक मान चाषी भाई मान गरीब लोक मान सहायता करने ये सेवा दल जन्म होता एवं आम दीर्घ 1.5 वर्ष काल प्रथम कोरोना लहर एवं द्वितीय कोरोना लहर में आम लोक मानू सेवा करणी तत्सत आज राजगांगपुर सेवा दल प्रथम ओपन स्टेज रे मीटिंग है राजगांगपुर 20 वार्ड्रु आम राजगांगपुर सेवा दल कर्मकर्ता मैंने आसी आपण मान सहयोग आम लोड़ समस्त सांबादिक बंधु मानू प्रथम कर राजगांगपुर फ्लाईओवर निर्माण कार्य तो 2018-19 आरंभ होता से कार्य पूर्णांग पारा ना तार पूर्णांग कार्य करने नंबर टू रे जो मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट 2018 आरंभ होता ताज पर्यंत शेष होलाना ताकू पूर्णांग करने राजगांगपुर को सब डिविजन मान्यता देवाई राजगांगपुर रेलवे स्टेशन आधुनिकरण करने आपण मान सहयोग कामना करूँ राजगांगपुर सेवा दल समस्त सदस्य मानू आज आम शपथ कलु कि पखापाखि 1,00,000 चिठी मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीजुक्त नवीन पटनायक सारंकु दबु 1,00,000 चिठी आमर 5 सचिव पांडियान सारंकु मध्य दबु एवं 1,00,000 चिठी जिल्लापाल महोदयंकु मध्य दबु राजगांगपुर सहरर विकास पई ए 4 कार्य निश्चित भाबरे जरूरी होई पड़ी एहा हेले राजगांगपुर जनसाधारण राज्य सरकार पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करिवे निश्चित भाव आम समस्ते एकत्रित आम कौन दाबी अनुरोध कले निश्चित भाव राज्य सरकार राज्यर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सार शुणे यह आम विश्वास निश्चित अच्छी एं समस्त सांबादिक बंधु मान सहयोग आवश्यक एजुकेशनिस्ट मान सहयोग आवश्यक युवक मान सहयोग आवश्यक छात्र मान सहयोग आवश्यक माँ मान सहयोग आवश्यक इंडस्ट्रियालिस्ट मान सहयोग आवश्यक आमर कर्मकर्ता मैंने 20 वार्ड समस्त पाखक जी समस्त चिट्ठी लिखी आम अनुरोध करवा निश्चित भाव हृदयंगम करुच्छी निश्चित भाव आमर कथा राज्य सरकार मानवे निश्चित भाव राजगांगपुर सेवा दल सदा सर्वदा राजगांगपुर सहरवासी सेवा कार्य आगामी दिन में निश्चित भाव करे आपण मैंने आज देखिले आम 4 सेवा देवाई जे भि गरीब पिला पाठ पढ़ापी फाइनेंशियली आवश्यक होती सहयोग करदी स्वास्थ्य सुरक्षापी कौन से आवश्यक हुए तेणु आम स्वास्थ्य सेवा जोगेदेवाई फाइनेंशियल सपोर्ट करूँ गो सेवा जोगेदेवाई जो राजगांगपुर आमर बहुत वार्ड रे आमर गुआला भाई माने अच्छा जो माने गाईर असुविधा हेले सहयोग करने आम टीम सहयोग करे कौन गरीब लोकर झील जदि बाहर हो पार ना फाइनेंशियल सपोर्ट करने राजगांगपुर सेवा दल आज आपण मानक करूँ कर यहसह राजगांगपुर सहर रे कौनसी समस्या हेले राजगांगपुर सेवा दल को जणाइबा सह सहर रे गाई गुरु को समस्या को नहीं राजगांगपुर सेवा दल पक्षर मोबाइल नंबर मध्य दिया जाइथिला।
ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସେବା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଓ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କୁନ୍ଦନ ସିଂ, ଅମୃଷ ବାକ୍ଲା, ଜୟନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପୁଷ୍ପଲତା ରବାନୀ, ବାସୁଦେବ ରାଉତ, ଶାନ୍ତି ସା, ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, କୌଶିକ ସେନ ମଲ୍ଲିକ, ଦିଲୀପ ମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ମନୋଜ ଭୋଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।